Remember these nail popsicles from Fake Hand Combo Pack? It is time to review them. Hello everyone. So for today's review, मेरे पास है Store 2508 की Practice Nails. जैसा कि आप जानते हैं, हम सारे नेल आर्टिस्ट इस तरीके के नेल्स को अपनी नेल पॉलिशेस की स्वॉचिंग में और उनके नेल आर्ट डिज़ाइन के प्रैक्टिसिंग में इनको बहुत यूज़ करते हैं, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. तो मैंने ये एक 50 का सेट ऑर्डर किया था. ये मैंने इस नेल प्रैक्टिस हैंड की कॉम्बो पैक में ऑर्डर किया था. तो इसका और इसका दोनों का प्राइस मिला के मुझे 1299 का पड़ा था ये पैक. आई एम नॉट श्योर ये अभी भी अवेलेबल है, बट हाँ, आप इनको अलग अलग अभी ख़रीद सकते हैं उनकी वेबसाइट पे. ये कॉम्बो पैक पता नहीं मुझे अभी अवेलेबल है कि नहीं. आई विल ट्राई टू मेंशन द लिंक अगर मुझे मिला तो. सो दिस प्रैक्टिस नेल्स, इसमें एक इस तरीके से ही आता है ये, इसके कोई अदर पैकेजिंग नहीं होती है. इस तरीके से आते हैं, एक जिप लॉक बैग में सारे नेल्स होते हैं. लेट मी शो यू. ये इनकी रिंग होती है साथ में, जिसमें आप इजीली सारे नेल्स को डाल सकते हो. ये देखिए, ये ऐसे बंद हो जाती है. सो ये इस तरीके से दिखता है ये नेल. इसकी क्वालिटी मुझे इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ना बड़ी सही लगी है, and I really loved it. Okay, so इनमें एक तरफ स्टिक में एक तरफ एक होल होता है, पंचिंग होल होता है, एक तरफ नेल लगा होता है. तो आप इसमें ईजिली इसके अंदर आप इसे प्लेस कर सकते हैं. आप इन सबको स्टोर कर सकते हैं इन आराम से अपने स्वॉचिंग के लिए. एंड थोड़े से फ्लिमजी हैं, थोड़े से हल्के हैं. यू कैन सी ये इजीली ऐसे बेंड हो जाते हैं, बट ये प्लास्टिक है, सो आप इससे ज़्यादा स्टर्डीनेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. तो थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टूट सकते हैं. तो आई विल प्रेफर कि आप इनको ना एक बॉक्स में डाल के रखें. आई विल सजेस्ट दैट आप इनको एक बॉक्स में डाल के रखें, अदरवाइज़ इनके टूटने का डर रहता है. एंड दीज नेल्स आर लाइक दे लुक जस्ट फाइन, यू नो, वेरी नाइस क्वालिटी. शेप भी बड़ा सही है, आप इस पर ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपनी नेल पॉलिश की स्वॉचिंग कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू वन न्यू जेल नेल पॉलिश से सबसे पहला स्वॉच ट्राई करेंगे. आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है और कितना इजीली मेरी नेल पॉलिश इस पर ग्लाइड कर रही है. एंड मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो स्वॉचिंग के लिए तो ये बहुत ही सही है. आप अपने नेल पॉलिश कलेक्शन इससे फीचर भी कर सकते हैं कहीं पे, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सारी नेल पॉलिश के कलर लगा के एक जगह रख दूँ और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े बॉटल देखने के बजाय मैं फटाफट से स्टिक उठाऊँ और ट्राई करूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप एक नेल आर्ट पार्लर चलाते हैं, नेल आर्ट है आपका प्रोफेशनली बिजनेस, तो आप इस तरीके के स्वॉच स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. आप उनको ये स्वॉच स्टिक दे दें आराम से कि आप कलर चूज़ करने के लिए, वो आराम से इसे लगा के देख सकते हैं कि उन पर कौन सा कलर सूट करेगा या नहीं करेगा, एंड वट काइंड ऑफ शेड दे वॉन्ट. और अगर आप उसे नेल आर्ट डिज़ाइन एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो भी आप उनको ये दिखा सकते हैं कि आप कौन सा डिज़ाइन कौन से कलर का लेंगे और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन सूट करेगा. सो आई रियली लव देम, आई रियली यू नो लाइक हाउ दे शाइन, हाउ दे लुक एंड हाउ दे फील. यू नो सी फिनिश बहुत प्यारी आई है, एंड आई विल बी यूजिंग देम फॉर नेल आर्ट डिज़ाइंस नाउ ऑन.
Isn't it nice? So मैं इन सारी प्रोडक्ट्स की अपनी वेबसाइट पे डाल दूँगी लिंक्स, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं एंड जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है वो परचेज कर सकते हैं. सो दिस वॉज फ्रॉम स्टोर 2508. आई हैव ऑल्सो रिव्यूड देयर स्टैम्पिंग पॉलिशेज ऑन माई ब्लॉग यूट्यूब पे, आप वो भी जाके देखिएगा. उनकी स्टैम्पिंग प्लेट्स भी मैंने रिव्यू की हैं, स्टैम्पिंग पॉलिशेज रिव्यू की हैं, एंड आई विल बी रिव्यूइंग अ फ्यू मोर नेल आर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट स्टोर. इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन. आई ट्राई टू शेयर कि मैं जितना ज़्यादा हो सके जेन्युइन रिव्यू शेयर करूँ उतना करती हूँ, बट अगर मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो नहीं पसंद आता, और कोई पसंद आ जाता है तो क्या कर सकते हैं. जैसे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को. मैं इनकी और स्टिक्स खरीदूँगी, अदरवाइज इसको साफ़ करके भी आप यूज़ कर सकते हो. आपने एक बार कर लिया है, स्वाचिंग कर ली है और आपको दोबारा इसे यूज़ करना है, तो ये 50 स्टिक्स काफ़ी दिन में ख़त्म होंगी, बट हाँ आप इनको दोबारा क्लीन करके भी यूज़ कर सकते हो. ओके, मैं दिखाती हूँ आपको इसको कैसे क्लीन करते हैं. आप देख सकते हैं इसमें सब साफ़ करने के बाद थोड़ी सी स्टेनिंग हो गई है, थोड़े से रिंकल्स आ गए हैं. मैंने इसे प्रॉपर्ली साफ़ किया बट स्टिल इसमें थोड़े से रिंकल्स और स्टेनिंग का प्रॉब्लम आया है. एंड बट आई थिंक यू नो जो इसका प्राइस है ना, 299 रुपीज़ में ये 50 स्टिक्स आई हैं, तो आई थिंक प्राइस वाइज इट्स ओके फॉर मी. आई कैन रीयूज इट, आई कैन लाइक reuse these swatch sticks for nail arts and for swatching videos. I can easily reuse them. मुझे ऐसा कोई as such issue है नहीं. लेकिन अगर आप आपको ये नहीं चाहिए इस तरीके का इफेक्ट, तो आप कोई और ब्रांड ट्राई कर लें. बट मैंने जितने भी ब्रांड्स ट्राई किए हैं इन स्टिक्स के लिए, उनमें जनरली मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला है कि सब में थोड़ी सी स्टेनिंग हो जाती है और थोड़ी सी हल्का सा यू नो रिंकल आ जाता है उसकी प्लास्टिक पे. बट ओवरऑल दिस इज़ अ फाइन प्रोडक्ट फॉर मी एंड आई रियली लाइक इट. आई ट्राई टू शेयर यू नो माई एक्चुअल रिव्यू. जो भी मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में फील होता है मैं वो शेयर करती हूँ. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. आई हैव जस्ट ओपन्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन सी यू नो दिस इज़ द रियल एक्चुअल रिव्यू. Thank you for watching my channel and I hope you loved the video and you will subscribe my channel for future videos. Thank you for watching. Bye.